टेंथ क्लास के बच्चों, आपका जो कल का लेसन रह गया था उसे आज पूरा कराएंगे, ठीक है। यहाँ से सामाजिक विभाजनों की राजनीति। तो सामाजिक विभाजन और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विभाजन और राजनीति का जो सामंजस्य है वे क्या घात मेल घात या मेल घात हो सकता है। अगर ये राजनीति सामाजिक विभाजन का राजनीति का आपस में सामंजस्य हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों में परस्पर प्रतिद्वंदता होती है। इस प्रतिद्वंदता के कारण समाज में फूट की स्थिति की संभावना बनी रहती है। यदि राजनीतिक दल में विद्यमान विभाजनों के अनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करने लगे तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण किसी भी देश में विखंडन की अप्रिय घटना घट सकती है या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिणामों का दायरा देखिए, सामाजिक विभाजन और राजनीति के मेल के परिप्रेक्ष्य में संभावित दो स्थितियां अलग अलग तरह से उत्पन्न हो सकती हैं। अब पहला परिणाम क्या निकलेगा, तो सामाजिक विभाजन और राजनीति के मेल का पहला परिणाम हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड जो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहा है, लंबे समय से राजनीतिक टकराव व हिंसा से ग्रस्त रहा है। यहाँ 53% प्रोटेस्टेंट आबादी है और 44% आबादी रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों को प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां प्रदान करती हैं तथा कैथोलिक बहुत बहुल आयरलैंड गणराज्य के साथ उत्तरी आयरलैंड को मिलाने की मांग करती है। वहीं प्रोटेस्टेंट का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं जो प्रोटेस्टेंट देश ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है। इन दोनों दलों के हिंसक टकराव में सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे गए। सन 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक कार्रवाई बंद करने की बात स्वीकार की। इसी प्रकार धार्मिक व जाति विभाजन के आधार पर यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। और दूसरा परिणाम देखिए, सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि किसी समाज में कोई विभाजन ही न हो, लेकिन ये संभव नहीं है। फिर भी राजनीति में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति फूट नहीं लाती, बल्कि यह सकारात्मक भी होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना, विभिन्न समूहों से विभिन्न वायदे करना एक स्वाभाविक है। अब विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, उनकी मांग के अनुरूप नीतियां बनाना राजनीतिक दलों की रणनीति का हिस्सा है। एक समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे दल की तुलना में अधिक पसंद करते हैं और अधिक वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं, किंतु इसका परिणाम देश का विभाजन नहीं होता है। अब ये देखिए चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या दिखाया कि उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्थानों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के समुदाय के बीच में दीवार के माध्यम से ये लोग कटे हुए हैं। तो और इस तस्वीर में हम ये भी देख सकते हैं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था। तो ये जो दीवार लेकर सामाजिक तनाव के बारे में ये क्या कहती है, देखिए यहाँ पर जो अंकित दीवार पर से यह स्पष्ट होता है कि 1996 में लंदन में जातिगत भेदभाव व्याप्त था और आयरिश मूल के लोगों के साथ यह भेदभाव किया जाता था। ये पहले वाले चित्र से पता चलता है। और दूसरे वाले चित्र हमको ये बताता है कि 2005 में
ब्रेकफास्ट में जातिगत भेदभाव का अंत हो चुका था और लोग एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते थे और शांतिपूर्वक, जिससे कि वह शांतिपूर्वक रह सके। अब हम एक उदाहरण पढ़ेंगे, देखेंगे बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। देखिए, गणेश विदेश घूमकर आया था और वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा था। उसे योरांदका मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें उसको बताई कि नर्स होने के चलते वे किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी की परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए, पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर अस्पताल में आ जाते हैं। और जब भी अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं है, और जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं, दीवारों पर थूकते रहते हैं, धैर्य तो उनमें होता ही नहीं है। और डॉक्टरों को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी के लोग हमारी तरह होते ही नहीं हैं। उनकी रंगों की पसंदी बहुत अजीब गरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। फिर हम सब जानते हैं कि चोर हैं। मैंने लोगों के कहते सुना है कि रोमानी लोग अपना फोन बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता और बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुँच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते हैं। ये बात तो सुनी सुनी सी लगती है, महाश्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोतू जैनी के बारे में बताया। एक तो ये उसने योरांदका की बात सुनी बताई, अब ये दूसरी देखिए, बताया कि जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी पर कोई भी उससे मिलने या देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया कि डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। और एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले ना कराओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने पूरे गांव से खाना उठाकर खाया था क्योंकि मुझे हरदम भूख लगती रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे दो बच्चे थे, तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता कि इन अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। दोनों ने अपने अपने जो नया अनुभव बताया। अब वो जो योरांदका थी वह एक तरह से वो कौन थी, बुल्गारिया थी, और ये जो थी मोंतोजेनी ये रोमानी थी। इस उदाहरण सबको ये पता चलता। अब महाश्वेता ने गणेश की बात सुनी तो कहा, गणेश, इन चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही क्या थी। यह रोमानिया बुल्गारिया की कहानी नहीं, यह तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। मतलब वहाँ बुल्गारिया में रोमानी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। वे बहुत गरीब थे तो वो अपने दैनिक जीवनचर्या को भी व्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकते थे। ना वो खाना ना पीने का उनकी व्यवस्था सही रहती थी, तो इसलिए वो गंदे भी रहते थे, भूखे रहते थे। तो जैसे कि उसने बताया कि उस कूड़ेदान से उठाकर खाना खाया, पर स्थिति इतनी खराब थी उनकी, खराब थी मजबूरी में वो गंदे भी रहते थे, नहा नहीं सकते, कपड़े भी नहीं चेंज कर सकते, जिससे उनके साथ में सब गलत व्यवहार करते थे। और फिर वो जरूरत के लिए चोरी भी करते होंगे, इसलिए उनको चोर का दर्जा दिया, यानी अपराधी का दर्जा दिया। तो ये जो व्यक्ति है गरीबी के कारण मजबूरी में कुछ ऐसे काम करते हैं। ये केवल बुल्गारिया और रोमानी की ही नहीं स्टोरी, हमारे देश में भी ऐसे बहुत सी
एक कहानी सुनने को मिल जाएगी। अब देखिए इलाके कुछ रोमानी लोगों जैसा जो बर्ताव होता है, क्या ये बात सही है? महाश्वेता को ये बात सही है तो वो कहते हमारे देश में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। अब देखिए अभी योरांतिका और मौत जैन जो कह रही है, क्या वो सही है? तो देखिए कुछ जाति के लोग ऐसी कुछ लोग हैं जो इस स्थिति के जिम्मेदार हैं। हाँ मतलब ऐसी स्थितियाँ हर जगह मिल जाती हैं और जिसके लिए स्थिति जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है क्योंकि वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। और तो इसलिए अगर इन समुदायों को अगर संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना चाहिए। अब देखिए रोमानी लोग भी बुल्गारिया की बाकी लोगों की तरह पोशाक के पहने वैसा ही आचरण करें तो ये क्या सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए? तो क्या हाँ बुल्गारिया की सरकार को चाहिए कि रोमानी लोगों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें और जिससे कि वे उन्हीं की तरह से रह सकें, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों को समान मानना चाहिए और सभी लोगों को समान सुविधाएं देनी चाहिए। अब देखिए तीन आयाम सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम निम्नलिखित तीन आयामों पर निर्भर करता है। लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह भावना, जब लोग स्वयं को विशिष्ट तथा दूसरों को अपने से हीन मानने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना कठिन होता है। यदि उत्तरी आयरलैंड के लोग स्वयं को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के रूप में न देखकर अपनी बहुस्तरीय और बृहद पहचान के प्रति सचेत होते तो ऐसी हिंसक स्थिति आगे नहीं पाती। तो ये कि आपने अपने में बांट देते समुदाय को तो वहां पर सामंजस्य नहीं होता है, टकराव की स्थिति आती है। जिस प्रकार डच व जर्मन बोलने वाले बेल्जियम के लोग स्वयं को बेल्जियम ही मानते हैं, मतलब वहाँ पे डच लोग और जर्मन लोग और उन्होंने अलग अलग समुदाय नहीं बल्कि उन्होंने अपना एक ही बनाया बेल्जियम के निवासी। भारत में भी अधिकांश लोग स्वयं को पहले भारतीय फिर किसी प्रदेश क्षेत्र भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी सभी लोग पहले अपने को भारतीय ही बताते हैं उसके बाद में किसी क्षेत्र के निवासी या भाषा या समूह के हिसाब से बताते हैं। अब राजनीतिक दलों की भूमिका, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा किस प्रकार उठाया जाए। संवैधानिक सीमा में आने वाली तथा दूसरों का अहित न करने वाली मांगे सहजता से स्वीकार की जा सकती हैं, लेकिन श्रीलंका केवल सिंधियों के लिए ही की मांग तमिल समुदाय की पहचान हितों की वृद्धि थी। योगो स्लोवेनिया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने भी ऐसी मांगे रखी जिन्हें एक देश की सीमा के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता था। अब विभिन्न समुदाय की मांग के प्रति सरकार का व्यवहार, यदि सरकारें ईमानदारी पूर्वक सत्ता में साझेदारी के लिए तैयार हो जाए और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को मान लें तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं होता। यह हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों से देखा है। यदि शासन उपयुक्त मांगों का दमन करता है और उसे राष्ट्रीय एकता का रूप प्रदान करने की कोशिश करता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं और इसकी परिणति अक्सर विभाजन ही होती है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन की समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका। सामाजिक विभाजन के सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति स्वाभाविक है, यह इसका सामान्य लक्षण भी है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को सकारात्मक दृष्टि से ही देखना चाहिए। राजनीति में विभिन्न सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति जैसे विभाजनों के मध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंजस्य स्थापित करती है, ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होती है। और यह भी सत्य है कि विविधता के प्रति उन लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता जो उपेक्षित या वंचित होते हैं। कई बार लोग शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं तथा चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि सामाजिक असमानताएं अधिक
गैर बराबरी तथा अन्याय वाली होने पर उन्हें स्वीकार करना असंभव हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में हिंसा का रास्ता अपना लिया जाता है। इतिहास इसका साक्षी है। जब जब ऐसी स्थिति आती है तब लोकतंत्र के माध्यम से ही गड़बड़ियों की पहचान करके विविधता का समाहित करके समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाता है। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में कुछ समय पहले तक क्रिकेट टीम में काले कप्तान नहीं बनाए जाते थे, लेकिन आज भी कई खेल ऐसे हैं जिन्हें सामान्य लोग नहीं खेल सकते क्योंकि ये काफी खर्च बहुत खर्चीले होते हैं, जैसे पोलो। अब देखिए, अगर आपके कहने का मतलब एक बड़े विभाजन की जगह एक छोटे विभाजन लाभकारी होते हैं, तो इसका कहने का मतलब ये कि राजनीति एकता पैदा करने वाली ये शक्ति है। सामाजिक विभिन्नता ही समाज में विभाजन का कारण बनती है। सामाजिक विभिन्नता से मतभेद उत्पन्न होते हैं, उन मतभेदों के कारण विभाजन की स्थिति पैदा होती है। विभाजन का मुद्दा सरकार का व्यवहार विभाजन की प्रकृति निर्धारित करता है कि विभाजन अच्छा है या बुरा। राजनेताओं की सोच के आधार पर विभाजन का स्वरूप निर्भर करता है। राजनीति कुछ सीमा तक विभाजन को कम कर सकती है। बच्चों, ये आपका लेसन आज पूरा हो गया। आपको होमवर्क मिल जाएगा और आप कुछ क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा, बड़े वाले आप कर लीजिएगा।